हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इंबिसफ एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, इन पार्ट 14 वीडियो वी हैव ऑलरेडी सॉल्व सम क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ स्टूडेंट, इन पार्ट 15 वीडियो वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर वन। If the sum of first n, 2n and 3n terms of an AP be S1, S2 and S3 respectively, then prove that S3 is equal to 3 into S2 minus S1. Now solution, let first term of AP is A and common difference is D. Here S1 equal to sum of first n terms of AP, S2 equal to sum of first 2n terms of AP, S3 equal to sum of first 3n terms of AP. Now LHS equal to S3, this equal to student formula होता है, SN इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसी फार्मूले से हम लिखेंगे S3। तो S3 यहां पर है सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स ऑफ AP, तो यहां हो जाएगा n by 2, तो यह हो जाएगा 3n by 2 2a प्लस n माइनस 1, तो यहां लिख देंगे 3n माइनस 1 इंटू d। इससे हम इक्वेशन नंबर या LHS है तो LHS यहाँ तक हम लिख लिए। इक्वेशन सपोज करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, LHS की वैल्यू हम यहाँ लिख लिए। अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोग RHS लेके चलें, तो RHS इज इक्वल टू है 3 इंटू S2 माइनस S1, दिस इक्वल टू 3 इंटू S2। S2 क्या है यहाँ पर, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ AP, तो हो जाएगा 2n अपॉन 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d माइनस S1 की वैल्यू यहां लिखेंगे, तो S1 है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, तो जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d।
दिस इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो जाएगा n इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d माइनस n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ हो जाएगा n इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d माइनस n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब स्टूडेंट यहाँ से कैल्सियम लिया जाएगा तो यहाँ 2n होगा, तो यहाँ 3n को पहले कॉमन कर लें 3n, और यहाँ पर एलसीएम 2 होगा तो यहाँ पर 2 को हम बाहर निकाल दे रहे हैं अपॉन 2, यहाँ 2 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d। यहाँ से n बाई 2 को हम कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ बचेगा माइनस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो हो जाएगा 3n अपॉन 2, मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाएगा 4a प्लस, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4n इंटू डी माइनस 2d, फिर हो जाएगा माइनस 2a प्लस n इंटू, अब प्लस है तो ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस n इंटू डी माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस d। दिस इज इक्वल टू 3n अपॉन 2, अब ये हो जाएगा 2a प्लस, अब स्टूडेंट यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 4nd माइनस nd, तो यहाँ से हो जाएगा 3n इंटू डी माइनस 2d प्लस d, दैट मीन्स माइनस d। दिस इक्वल टू 3n अपॉन 2 2a प्लस, इसमें से d को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 3n माइनस 1 इंटू d। अब यहाँ पर स्टूडेंट LHS में लिखा गया S3 इक्वल टू 3n बाई 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d, तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हियर LHS इक्वल टू RHS। हियर LHS इक्वल टू RHS, हेंस इट इज वेरीफाइड। यहां से ये प्रूफ हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी is the same as the sum of its first q terms where P is not equal to Q.
देन सो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स इज जीरो। यही हमें प्रूफ करना है कि सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स इज जीरो। नाउ सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन ए पी इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट क्यू टर्म्स, ये गिवेन है। दैट मीन्स एस पी इज इक्वल टू एस क्यू। यहां फॉर्मूला लगाया जाए तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो यहां पर एस पी है तो हो जाएगा पी अपॉन टू, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, दिस इक्वल टू क्यू बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, टू से टू डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहां मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो जाएगा टू ए पी प्लस पी इंटू पी माइनस वन इंटू डी, दिस इक्वल टू टू ए क्यू प्लस क्यू इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी। अब यहां से सबको इस साइड में ले आया जाए, टू ए पी माइनस टू ए क्यू और प्लस पी इंटू पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी, दिस इक्वल टू जीरो। अब यहां से स्टूडेंट टू ए को कॉमन किया जाए तो यह जाएगा पी माइनस क्यू और यहां पर प्लस डी को कॉमन किया जाएगा तो जाएगा पी इंटू पी माइनस वन माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी, दिस इक्वल टू जीरो। टू ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस यहां मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। तो जाएगा टू ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एक साथ लिख लिया जाए, इसमें से माइनस कॉमन किया जाए तो ये हो जाएगा पी माइनस क्यू इंटू डी, दिस इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट यहां से हम लोग लिखेंगे 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो हो जाएगा p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू इंटू डी, दिस इक्वल टू जीरो। पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू को कॉमन कर लिया जाए p माइनस क्यू, अब ये हो जाएगा इंटू, अब यह हो जाएगा 2a प्लस, जब ये कॉमन हो गया है तो यहां बचेगा p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, दिस इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि p इज नॉट इक्वल टू q, देन p माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, लिख देंगे p माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट 2a प्लस p
पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी दिस इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट एस एन की वैल्यू होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यह एस एन की वैल्यू होता है। यदि यहां पर कहीं लिखा गया हो टू ए एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो उसके जगह पर हम एस एन लिख सकते हैं। यहां हमें यह प्रूफ करना है कि सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स इज जीरो। दोनों साइड में p प्लस क्यू बाई टू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा p प्लस क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी दिस इक्वल टू, जब जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। और इतने को हम लिख सकते हैं यस p प्लस क्यू, यस p प्लस क्यू दिस इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट जब एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो तो हम एस एन लिखते हैं, और जब पी प्लस क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी होगा तो इसके जगह हम लिख देंगे यस पी प्लस क्यू। यहां पर यस पी प्लस क्यू का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म ऑफ ए पी दिस इक्वल टू जीरो, यही हमें प्रूफ करना था। नाउ डियर स्टूडेंट सम क्वेश्चन इज गिवेन इन गूगल क्लासरूम ऐप। थैंक्स।